ने बताया कितना जज्बा रखते हैं अपने धर्म के प्रति, कितना जज्बा रखते हैं और किस तरह से गाते हैं। हमें भी खून ऑक्सीजन मिलती है, जब बड़े लोग बीच में होते हैं तो हमको भी ऑक्सीजन मिलता है। भाई साहब श्याम साहब ने बहुत सी बातें कही, लेकिन क्या सभी को मेरा धन्यवाद। इस प्रोग्राम के आयोजक श्रीमान मदनलाल जी, इनका मैं धन्यवाद करता हूँ। इसी बहाने हमारी मुलाकात होती है, इसी बहाने प्रभु के दर्शन करते हैं, प्रभु की चर्चा करते हैं। आपके साथ जितने लोगों ने सहयोग किया, जितने लोगों ने आपका साथ दिया, मैं सबको शुक्रगुजार हूँ, सबको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। भाई श्याम साहब ने बहुत सी बातें कही, गीता के बारे में कही। मुझे लगता है कि जब भी कहीं पर सत्संग होगा, कम से कम एक रजिस्टर रखा जाए किसी मंदिर में। वो इसलिए जरूरी है कि कई बातें हमारे दिमाग में डाली गई हैं, बहुत सारी गलत बातें। जैसे श्याम साहब ने अभी पूछा था, पूछ रहे थे कि राधा और कृष्ण ने शादी की थी क्या, तो लोग बोल रहे थे हाँ की थी। मैं कहता हूँ जिस किताब में ऐसा लिखा है, मैं अगर मैं वैसा पढ़ूंगा तो उस किताब को मैं दरिया में फेंक दूंगा। मैं भी पढ़ूंगा ऐसी किताब जो कहता है कि 16,000 रानियां थी, भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियां थी, 16,000 रानियां थी, उसकी दाढ़ी मूंछ क्यों नहीं थी? आपने देखा है कभी दाढ़ी मूंछ वाला कृष्ण भगवान है ही उसकी? यही तो लीला है, वो उसकी भक्ति रूप है, भक्ति है उसकी, भक्ति रूप उसकी रचाए हैं। और हम इंसान क्या समझेंगे इसी बात को, हम नहीं समझते हैं इन बातों को। ऐसा हम कभी नहीं सोचना चाहिए भगवान के बारे में, जैसा हमारे लोग हम बातें करते हैं कि 16,000 ऐसा मत। मैं कहता हूँ जहाँ पर ये रानी शब्द लिखा हुआ है, जिस भी किसी ग्रंथ में रानी का शब्द लिखा हुआ है, वो मिलावट है, अंग्रेजों और मुगलों की मिलावट है। यस, शाम शाम वो मुगलों की मिलावट है। अरे ये सनातन धर्म को 1,000 साल से लूटा गया और फिर भी न जाने क्या हस्ती है ये, क्या इस भगवान की क्या कयामत है कि फिर भी हमारी हस्ती मिटती नहीं है। वो मुगल जो 800 साल उन्होंने हुकूमत, उसने क्या वो क्या दाल खाने के लिए आए थे? वो दाल खाने के लिए आए थे, उसके बाद अंग्रेज आए, वो क्या कहते हैं, अंग्रेजी सिखाने आए थे क्या? ये वो तो बात है। आपको मैं कई लोगों ने आपने पढ़ा होगा कि मैकाले था, एक अंग्रेज था, उसने कहा मैंने भारत की लंबाई और चौड़ाई को नापा है, मैंने एक भी भिखारी नहीं देखा, एक भी चोर नहीं देखा मैंने। लंदन 2 फरवरी 1835 को उसने भाषण दिया लंदन के पार्लियामेंट में। यस यस, उसने कहा मैंने एक भिखारी नहीं देखा भारत में, एक चोर नहीं देखा भारत में, एक अनपढ़ नहीं देखा। हाँ, एक तो उसने कहा इसको बदलना है। उसको पूछा गया इसको कैसे बदलेंगे, उसने बोला कि इनके ये जो बच्चे हैं इनको बड़े बड़े किताबों के बस्ते ला दो, तरीका देखो, विद्वान दिमाग देखो, दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझते। यस यस यस, उसने कहा इनको बड़े बड़े बस्ते ला दो, इनको पढ़ाओ साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, पहाड़, समंदर, अकबर के नाम का याद, बाप को ये शाहजहां का बाप कौन था, यही याद करेंगे, यही याद करते करते अपने बाप को भूल जाएंगे। यस, बिल्कुल सही बात। ये उसकी कई और इसी तरह से इस हिंदुस्तान को लूटा गया। yes. यही उनकी हालत थी। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं कहता हूं कि जब आप पढ़ाई है, कुछ ऐसा वक्त आया था कि गरीबी रही, लाचारी रही, अब थोड़ा सा होश आया है और गवर्नमेंट चेंज हो गई तो हमारे मुंह में जबान आ गई है थोड़ी, वरना हमारी हिम्मत नहीं थी। बिल्कुल सही बात। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब अपने जो धर्म शास्त्र है, इसमें मिलावट बहुत जगह में अभी टाइम नहीं है बोलने का, कितनी जगह पर ऐसे ऐसे खतरनाक वर्ड को जोड़ा गया है कि या कि
यही से तो हमें क्या कहते हैं ये जो हम धर्म चक्कर में पड़े हुए है ना, यहीं से पड़े हुए हैं। कहीं पर किसी ने कुछ पढ़ लिया, किसी ने कुछ पढ़ लिया। एक गीता है, मुझे किश्तवाड़ में एक ने दिखाई गीता, बोलता मेट खाना तो इसमें लिखा है। मैंने कहा दिखा कहाँ है, मैंने देखा किताब को देखा, वो बाहर से अंग्रेज ने बनाई थी, अंग्रेज ने बनाई थी लिखी थी किताब। क्या पढ़ोगे? इसलिए शास्त्र को पढ़ो, उसको समझना चाहिए। गुरु कहते हैं कि गुरु क्या कहते हैं, ईश कृपा बिना गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं गावे वेद प्राण। इसीलिए होता है गुरु, उसको पता पहुंचा हुआ गुरु होता है। ज्यादा मैं आपका टाइम नहीं लेते हुए सेवा, मैं कहता हूँ आज नया समय के साथ आपको बदलना पड़ेगा, कोई चारा नहीं आपको। आप वही लकीर के फकीर बन के रहोगे तो जाओगे कहाँ, आगे समय खराब आएगा। बिल्कुल 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 सही बात बोली आप। जागना तो पड़ेगा, ना ना अच्छा अच्छा अच्छा।